तो सबसे पहले तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें रिंग से लोन नहीं मिला, हमें किडबी से लोन नहीं मिला, हमें ब्रांच से लोन नहीं मिला, हमें टू वैलेंस से लोन नहीं मिला, हमें मनी व्यू से लोन नहीं मिला, ये हमें नाबी से लोन नहीं मिला, या हमें माई शुभ लाइफ से लोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है? उसका एक कारण है, ये जितनी भी एप्स हैं ये आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन अगर टाइम से रिपेमेंट कर रहे हो तो आपको ये 50,000 तक का या 1,00,000 तक का भी लोन प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ही लोन नहीं मिलता, उसका कोई ना कोई रीजन होता है, आपके प्रोफाइल में कमी है या आपके सिविल में कमी है, कुछ या तो आपका सिविल डाउन है या आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई चीज मैच नहीं हो रही है, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है, या आपका नाम मैच नहीं हो रहा है, या आपका एड्रेस गलत है, या आपने जो पिन कोड डाला है उस ऐप में, जिस ऐप में आपने लोन के लिए अप्लाई किया है वहां पे उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है। जितनी भी ये लोन कंपनी है जिनके 50 मिलियन 10 मिलियन 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं, वो आपको लोन इसलिए प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि आपके सिविल में कोई ना कोई दिक्कत होती है। वो भी एक पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं कि सिविल ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जब कोई चीज इनकम्प्लीट होगी तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। अब उनकी भी अपनी कंडीशन होती है, किसी राज्य में वो एप्लीकेशन काम करे, किसी राज्य में नहीं काम कर रहे, तो आपको लगता है कि यार वो एप्लीकेशन बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जिसके आप उस नियम के अंदर नहीं आते, इसलिए आपको लोन नहीं मिलता है। ऐसे में आप हमको गाली बकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक बात सोचिए, जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगी तो उन्हीं का फायदा है ना, आपसे पैसा कमाएंगी, तो आपको लोन क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? तो आपके सिविल में कोई ना कोई दिक्कत है। यहाँ पे मल्टीपल लोन आप ले सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पे बिना किसी इनकम प्रूफ के। आज ऐसे आपको मैं कम से कम 9 ऐप्स के नाम बता दूंगा जो आपको घर बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड पे 50,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000, 10,000 इस तरह का लोन प्रोवाइड कर देंगे। मिनिमम 5,000 से लेकर आपको मैक्सिमम 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। वैसे तो ये 20,000 तक का 10,000 तक का वादा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोन ना मिलने की ये कई वजह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है या मेरा वीडियो देखने के बाद आपको लोन अप्रूव नहीं हुआ। आप खुद सोच सकते हैं कि लोन कंपनी जब है तो लोन प्रोवाइड कर रही होगी, और लोन कंपनी लोन प्रोवाइड करना चाहती है, लेकिन अब उस कैटेगरी में उस कंडीशन में नहीं आ रही तो कैसे प्रोवाइड कर दे? उसकी भी अपनी कंडीशन है ना लोन प्रोवाइड करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो मन में गलत थिंकिंग है ना कि हमने गलत वीडियो बना दिया या कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, 500 का सिविल है, हमें लोन दिलवा के दिखाओ, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं तुम तो बहुत बातें करते हो, दिलवा के दिखाओ, हमें नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, कंपनी का भी फायदा होता है। अब कंपनी की मजबूरी वो नहीं प्रोवाइड कर रही तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं आपको ऐसी ही 9 ऐप्स के नाम बता दूंगा जो आपको घर बैठे लोन प्रोवाइड कर देंगे। वैसे अभी आपको जो मैंने नाम लिए हैं यही ऐप्स अभी मैं आपको बताऊंगा, यही ऐप्स आपको लोन प्रोवाइड करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अच्छे से थोड़ा सा एक नजर में आपको मैं नाम बताऊंगा और कितना लोन मिलता है, कितना टर्न टाइम है ये बताऊंगा, ताकि आपको एक दिमाग में फीड हो जाए कि हाँ यहाँ पे मुझे इतना लोन मिल सकता है। तो आपको मैं आज ऐसी 9 बेस्ट ऐप्स के नाम बताऊंगा जो NBFC RBI अप्रूव्ड है, जो घर बैठे आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है 500 रुपए से लेकर 50,000 तक का। वो आपके सिविल और प्रोफाइल को भी डिपेंड करता है, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, और या आपको लोन प्रोवाइड हुआ तो आपको कम लोन प्रोवाइड होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, लोन आप किसी भी ऐप से ले रहे हैं तब ले जब चुकाने में सक्षम हो, इमरजेंसी हो, बहुत जरूरत हो, फालतू में लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिविल डाउन करेंगे और समय से नहीं चुकाते हो तो ये आपके संग बदतमीजी, मानसिक प्रताड़ना, क्रूरता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यह तो पहले के लिए करो। चलिए मैं आपको लोन ऐप्स के एक बारे में नाम बता दूं ताकि आपको घर बैठे जल्दी से अगर लोन लेने की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। तो उससे पहले एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @vinaylv0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उसे भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले लोन ऐप है यहाँ पे ब्रांच। ब्रांच आपको जो है 500 रुपए से लेके 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देगी। टर्न टाइम की बात करें मिनिमम 2 महीने, अधिकतम 6 महीने का है। हम यहाँ पे रिंग की बात करें, वैसे आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे RBI NBFC अप्रूव है, अगर आप लेते हो समय से चुका देना तो दिक्कत नहीं आएगी, समय से नहीं चुकाओगे तो ये 100% दिक्कत करेगी, इस ऐप की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया जरूरी नहीं है लो, अगर बहुत जरूरत है तो आप ले सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि रिंग के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, तो बता दे रहा हूँ क्योंकि RBI NBFC अप्रूव्ड है, लिस्ट में इसलिए नाम रखा गया है। रिंग 500 रुपए से लेकर 5,00,000 तक का आपको ये लिमिट प्रोवाइड कर देती है, 3 महीने से लेकर 24 महीने का ये टाइम ले देती है, ठीक है। बाकी प्रोफाइल को भी डिपेंड करता है, एकदम 5,00,000 का तो नहीं मिल जाएगा शुरुआती दौर में। अगर शुरुआत में आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको 500, 400, 2,000, 3,000 इस तरह की लिमिट मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे रूफिलो यानी जिसका नाम टोडोफिनो हो चुका है, वो भी आपको 5,000 से लेकर 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देगी, मिनिमम 3 महीने, अधिकतम 24 महीने का यहाँ पे टाइम मिल जाता है। फिर बात कर ले माई शुभ लाइफ की, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3,000 से लेकर 2,00,000 तक का लोन मिल जाएगा, और टाइम टाइम की बात करें मिनिमम 3 महीने, अधिकतम 36 महीने। स्मार्ट कॉइन भी आपको 1,000 से लेकर 1,00,000 का लोन प्रोवाइड कर देगी, मिनिमम 2 महीने, अधिकतम 9 महीने। किस्त की बात करें आपको मिनिमम 5,000 से लेकर 2,00,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देती है, ये भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल तक के लिए यहाँ पे टर्न टाइम मिल जाता है, ठीक है। मिनिमम 3 महीने, 4 महीने से लेकर आपको मैक्सिमम 2 साल तक का मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे टू वैलेंस की,
तो यहाँ पे आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा 6 महीने के लिए। ट्रू बैलेंस अच्छी ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पे दिया हुआ। अभी मैं बता दूंगा किस किस ऐप के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुआ, क्योंकि मैं इसका लोन पार्टनर हूँ कुछ ऐप्स का। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो मेरे लिंक से तो आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर केडबी की बात कर लें, केडबी आपको मिनिमम 1300 रुपए से लेकर 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर देगी, मिनिमम 3 महीने अधिकतम 12 महीने के लिए। नावी की बात कर लें, नावी भी आपको जो है 25,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देगी, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे, बिना किसी इनकम प्रूफ के। आपको लग रहा होगा नावी में नहीं इनकम प्रूफ मांगना पड़ता, नहीं, उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है कैश लोन पे क्लिक करोगे इस तरह से, तो आपको वहां पे सिर्फ 25,000 का लोन मिलेगा या 30,000 का मिल जाएगा, 9 महीने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे, कोई इनकम प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वो 9 ऐप्स है जो आपको घर बैठे लोन मिल जाएगा। उम्मीद है पूरी बात समझ रहे होगे, तो ट्राई करते हैं। मैंने आपको डिटेल में जानकारी नहीं दी, आपको मैंने ऊपर ऊपर बता दी, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे बिना किसी इनकम प्रूफ के ये लोन प्रोवाइड कर दिए, काफी कम सिविल पे। इसमें काफी पैसे जो आपको कम सिविल पे लोन प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पे। अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो मेरी गलती नहीं है, या मैंने आपको गलत जानकारी दे दी। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हैं, दूसरे का वीडियो चेक कर सकते हैं, जो मैंने बोला है वही बताएगा, कुछ नहीं बताएगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो मैंने बोला लोन मिलेगा वही बोलेगा, ठीक है ना। तो कंपनी से बात करिए, प्रोफाइल चेक करिए, सिविल को देखिए, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या दिक्कत है, आप सैलरीड है या आप सैलरीड नहीं है और आप सैलरीड वाले में क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपको लोन नहीं मिला। क्या वजह है तो आप चाहते हो क्या वजह है, तो आप मुझे इसके लिए सिविल रिपोर्ट भेजें, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपके प्रोफाइल में क्या कमी है जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद है परिवार समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे कई ऐप है, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया, नावी हो गया, इस तरह के काफी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर उनमें से लेना चाहते हैं लोन तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लोन ऐप्स में ट्राई कर सकते हैं, आपको घर बैठे लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद है परिवार समझ गए होंगे, तो इसी के साथ मैं चलूंगा, लेकिन जाने से पहले कुछ बातों का मैं आपको दोबारा रिपीट करूं। दोस्तों यहाँ पे हमेशा एक बात का ध्यान रखें, लोन लेने से पहले कंडीशनें पढ़ लें, लोन एग्रीमेंट लेटर ले लें अगर लोन मिल जाता है, ठीक है, लोन सेशन लेटर ले लें, और जो भी चीज़ें हैं कायदे से चल रही हैं, आपकी ईसीएस जो है यानी कि ई मैंडेट है वो सही से पैसा कट रहा है नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे बताइए, मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दूंगा। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है, लोन मिलने के बाद आपको लोन एग्रीमेंट लेटर बहुत जरूरी तौर पर लेना है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये बात हर किसी को पता होगी, और कम सिविल पे ये लोन प्रोवाइड कर देती है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, लोन ना मिलने की वजह बहुत सारी होती है, ऐसा नहीं है कि लोन ऐप नहीं दे रही है, आप बैंक में जाकर ट्राई कर लीजिए, बैंक वाले भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। बैंक वालों का भी एक क्राइटेरिया होता है, कुछ बैंकों को 680 होता है, कुछ बैंकों को 650 होता है, कुछ का 625 होता है कि हम इतने तक आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, फिर बाकी आपके आपके हिसाब किताब को देखते हैं कि आप क्या काम करते हो, आपकी क्या इनकम है, आप लोन चुका पाओगे चुका पाओगे, ये सब चीजें देखने के बाद ही कोई बैंक हो गया एनबीएफसी की फाइनेंस कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आपके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में या आपके एरिया पिन कोड में या आपके जो सिविल में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, या आपने कहीं लोन लिया ओवर ड्यू है, लोन आपने क्लोज नहीं किया, तो उसमें भी उस वजह से भी लोन नहीं मिलता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 8 या 9 ऐप जो मैंने बताई इनमें से आप घर बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो इसी के साथ मैं चलता हूं, जानने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।